लेकिन इस वक्त आपके लिए एक खुशखबरी, डीजल पेट्रोल की कीमतें और कम हो सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों के कारण आई महंगाई से निपटने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। कच्चे तेल के इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल निकालने का फैसला किया गया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के इमरजेंसी स्टॉक पर ही देश चल रहा है? सस्ता होगा पेट्रोल, कम होंगे डीजल के दाम, महंगाई पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल निकालेगी। ये पहला मौका है जब भारत अपने रणनीतिक रिजर्व से कच्चा तेल निकालने जा रहा है। हालांकि अभी तेल निकालने का वक्त सामने नहीं आया, फैसले के सामने आते ही सरकार पर हमले शुरू हो गए। टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, भारत ने इससे बुरे दौर में भी तेल के रिजर्व कुछ हुआ नहीं, ये रणनीतिक भंडार राष्ट्रीय रक्षा के लिए है, न कि बाजार में दाम कम करने के लिए। मैं रिजर्व से तेल निकालने के फैसले से आश्चर्यचकित हूँ। रोज मिलने वाले पेट्रोल डीजल के लिए कच्चा तेल विदेश से आयात किया जाता है, जबकि रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व को आपातकाल के लिए स्टॉक रखा जाता है, ताकि प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा के वक्त